सो गाइस, हमने भाई पिछली वीडियो के अंदर बनाया थे अपनी खुद की सिटी, और गाइस मैंने जो अपनी सिटी को बिल्ड किया था आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है। क्या आपको पता है ये सिटी को मैंने अपना भाई खुद के अपने फोन से बिल्ड किया है। आप लोग भी बिल्ड करना चाहते हो पर कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ आप लोग इंडियन बाइक इंजीनियरिंग के अंदर अपनी खुद की सिटी को कैसे बिल्ड कर पाओगे। याद तक गाइस आज मैं इस सिटी को दोबारा से बिल्ड करने वाला हूँ, और साथ ही साथ गाइस इस सिटी को मैं और भी ज्यादा बड़ा करने वाला हूँ। वो कैसे वो तो गाइस आपको पूरी वीडियो को एंड में देखने तक ही पता लगेगा। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस चलो हम अपना काम शुरुआत करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे फाइनली ये वाली बिल्डिंग तो बिल्ड किया था, और उसके बाद गाइस चलो हम लोग मंगाते हैं एक और न्यू बिल्डिंग। इस बार गाइस मैं सोच रहा हूँ B5 की बिल्डिंग मंगाया जाए। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने B5 डायल कर दी, और भाई साहब भाई कितने ज्यादा OP बिल्डिंग्स आते रहते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इस वाली बिल्डिंग को तो मंगा ली, और ये वाली बिल्डिंग भाई हद से ज्यादा ही बड़ी है। तो गाइस इस तरीके से मैं ये वाली बिल्डिंग को भी मैंने यहाँ पे रख लिया, जो कि गाइस अभी दिखने में काफी बढ़िया लग रही है। और इसी तरीके से गाइस अभी मेरे को ये छोटा सा एरिया को गाइस बिल्कुल भरना पड़ेगा। क्या तुम लोग लग रहा है ये छोटा सा एरिया है? नहीं गाइस भाई इसको छोटा सा एरिया मत समझो, क्योंकि यार भाई ये काफी ज्यादा बड़ा एरिया है। तो इसी के साथ मैंने B6 एक बिल्डिंग मंगवा ली, और ये वही बिल्डिंग है जो कि हम लोग यहाँ पे कार शोरूम और शोरूम खोल सकते हैं। तो गाइस इस वाली बिल्डिंग को भाई मूव करने कुछ करते हैं, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे अभी ये बिल्डिंग फाइनली मूव भी हो रही है, तो गाइस यही काफी बढ़िया बात है। इसी के साथ गाइस चलो भाई हम लोग इस वाली बिल्डिंग को यहाँ पे मैंने उठा लिया है, जो कि गाइस अपने साथ, और मैं इसको लेके चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आगे। तो लेट्स गो गाइस इस वाली बिल्डिंग को मैंने यहाँ पे उठा के बहुत आगे ले आया। तो गाइस अभी मेरे को इस वाली बिल्डिंग को एक अच्छी सी जगह के अंदर रखना पड़ेगा ताकि यार भाई ये बिल्डिंग देखने में बढ़िया लगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी मैंने इस वाली बिल्डिंग को भी रख लिया, और फटाफट गाइस ये देख सकते हो काफी बड़ी हमारी सिटी हो चुकी है। तो गाइस इसी बात के लिए भाई अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अभी गाइस मैं करता क्या हूँ यहाँ पे ना गाइस, मैं सोच रहा हूँ भाई एक छोटी सी हम लोग एक जगह बना दे जहाँ पे गाइस कूड़े फेंकने की जगह बन जाए। ओके गाइस इसी के साथ साथ गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं इस वाले जगह के अंदर एक छोटा सा एरिया बिल्ड करने वाला हूँ ताकि यार वो बढ़िया लगे देखने के लिए। इसी के लिए गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग यहाँ पे वॉल का यूज करें। तो मैं यहाँ पे W2 जो कि है गाइस सबसे बड़ी वॉल, तो गाइस इस वाले वॉल का मैं यूज कर रहा हूँ। तो गाइस लेट्स गो, अभी गाइस मैं इस वाले वॉल को गाइस मेरे को यूज करना पड़ेगा बिल्कुल इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में यूज करने वाले है। तो लेट्स गो गाइस मैंने इस वाले वॉल को रख लिया, अभी हम लोग चेक करते हैं क्या ये वाली वॉल भाई बिल्डिंग से बिल्कुल चिपक के लगी है। तो नहीं गाइस, हाँ भाई अभी ये वॉल बिल्कुल ठीक तरीके से लगी हुई है। इसी के साथ गाइस अभी हमें एक और वॉल मंगा लेनी चाहिए ताकि यार भाई मैं इसके साथ में एक और वॉल रख सकूं। तो गाइस यहां पे मैं यूज कर रहा हूं W1 वॉल, क्योंकि यार वो वाली वॉल अभी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो अभी बेसिकली गाइस ये वाली रोड को भी ये वाली वॉल को कम से कम रोड तक तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, तुम्हारा भाई इस वाले वॉल यहां पे वॉल को अपने रोड तक जोड़ दिया, जो कि यार लिटरली में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और गाइस अभी मेरे को यहां पे इस वाले जगह को बंद करना है, तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं गाइस W3 वॉल की, क्योंकि यार भाई देखो गाइस हमारे वॉल के अंदर गाइस थोड़े मतलब जाली भी होनी चाहिए, मतलब यार थोड़ा बढ़िया लगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे W3 वॉल यूज कर लिया। तो गाइस इसके बाद अभी मुझे ये वाला जो एरिया है वो यहाँ से मेरे को इसके साथ ही साथ बंद करना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस मैंने इस वाले एरिया को कुछ इस तरीके से बंद कर दिया, और यहाँ पे तो गाइस अभी मुझे डस्टबिन भी ला के रखना है। लिटरली में गाइस हमारी सिटी ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिटी बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने W3 फिर से डायल कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसे भी फोन लगा दिया। तो गाइस लेट्स गो अभी मेरे यहाँ पे ये वाला वॉल भी यहाँ पे मैं यहाँ पे फटाफट सेट कर देता, और ये वाली वॉल गाइस कुछ ही बड़ी हो रही है। तो लेट्स गो गाइस अभी हम लोग ट्राई करते हैं इस वाले बोल को बिल्कुल सही तरीके से बिल्ड करने के लिए। तो गाइस अभी मेरे को इस वाले बोल को थोड़ा सा और आगे लाना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस यहाँ पे मैंने इस वाले बोल को कुछ इस तरीके से लग रख लिया है, जो कि यार काफी बढ़िया लग रहा है। इसी के साथ गाइस अभी मेरे को वापस एक W2 वॉल चाहिए होगी ताकि यार भाई मेरा जो सिटी है वो काफी बढ़िया लगे। तो गाइस इसी के साथ मैंने यहाँ पे W2 वाली बोल को दोबारा से मंगवा लिया। आप लोग देख सकते हो अभी मैंने इस वाले बोल को मंगवा तो लिया, पर गाइस के साथ तो सेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो लेट्स गो गाइस मैंने फाइनली इसे भी सेट कर दिया। तो अभी गाइस हमारा सिटी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इसके बाद गाइस मैं एक और W2 वॉल को ही या फिर W1 वॉल को मंगवा लेता, क्योंकि गाइस हम लोग आगे की तरफ भी W1 ही वॉल को लगाए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस अभी मैंने इस वाले वॉल को भी यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे गाइस इसको प्रॉपर इस तरीके से हम लोग सेट कर देते हैं ताकि यार भाई बिल्कुल सेम लगे देखने में। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी ये बन चुका है कूड़ा घर, यहाँ पे हम लोग गाइस कूड़ा उड़ा रखने वाले। तो कूड़ा घर रखने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कूड़े की वो रखनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं गाइस, बकेट, जो कि गाइस हम लोग P9 से हम लोग आई थिंक मंगा सकते होंगे। तो भाई ये तो नहीं है, तो गाइस मोड ऑन तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो गाइस P9 के अंदर ये नहीं आ रहा, तो गाइस हम लोग इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ गाइस P10 का, आई थिंक लगता है भाई P10 के अंदर गाइस हमें कोई ना कोई नया डस्टबिन मिल जाएगा। तो भाई P10 के अंदर भी डस्टबिन नहीं है, तो गाइस कोई बात नहीं हम लोग दोबारा से इसको हटा देते हैं।
तो गाइस मैं यूज करता हूँ P7 का। ओके गाइस P7 का यूज करके देखते हैं। तो हाँ गाइस P7 के अंदर हमारे काफी सारे अलग अलग तरीके के डस्टबिन आ चुके हैं, जो कि यार मैं रखने वाला हूँ इस रोड के इस तरफ, ताकि यार भाई ये थोड़ा सा मतलब प्रॉपर लगे भाई देखने से, और हमें लगे गाइस यहाँ पे कूड़ा घर है। तो गाइस लेट्स गो, मैंने यहाँ पे डस्टबिन रख दिया, और इसी के साथ गाइस मैं यहाँ पे मैंने P7 यहाँ पे वापिस से डायल कर दिया। P7 पे मुझे एक और डस्टबिन मिल चुकी है, जिसको गाइस ओ भाई साहब गाइस वो वाली बोल तो देखो भाई, वो तो बिल्कुल दीवार की तरफ सट गई है। तो गाइस मेरे को उस वाली बोल को बाहर लेके आना पड़ेगा, तो गाइस अभी मेरे को इस वाली बोल को दोबारा से सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, मैंने इस वाली बोल को दोबारा से सेट करने के यहाँ पे कोशिश किया, फाइनली गाइस ये लग चुका है। अभी मेरे को इस वाला जो डस्टबिन है ये मेरे को भाई इस वाली दीवार के पास लगा देना है, ताकि यार भाई ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, फाइनली गाइस मैंने इस तरफ भी डस्टबिन रख लिया। यहाँ पे गाइस मैं एक और यूज करता हूँ P5 का। लेट्स गो गाइस, मैंने अभी P5 बुला लिया। तो यहाँ पे एक और काफी बड़ा मेरा डस्टबिन आ चुका है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो। अबे गाइस इस वाले डस्टबिन को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि यार भाई ये जो हमारा आप लोग देख सकते हो भाई ये काफी बढ़िया लग रहा है। तो गाइस इसी के साथ अभी मैंने इसे भी कम्प्लीट कर लिया, और गाइस अभी हम लोग सिटी को थोड़ा बहुत और बिल्ड करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे P5 के अंदर मेरी जो डस्टबिन है काफी बढ़िया लग रही है। तो गाइस इसी के साथ मैंने P5 एक और बारी डायल कर दिया, और अभी मेरे को चाहिए एक और डस्टबिन। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से 4-5 डस्टबिन फटाफट ले लेते हैं, ताकि यार भाई थोड़ा बढ़िया लगे, और भाई ये हमारा थोड़ी जगह है वो तो भाई थोड़ा सा बहुत कूड़े के डब्बे से भाई भरा रहे, ताकि यार भाई देखो लगेगा ना, तो भाई ये बिल्कुल बढ़िया वाला। इसी के साथ गाइस मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग P6 को भी डायल करके देखते हैं। तो P6 के अंदर मैंने यहाँ पे रोड साइन है गाइस। ओके P6 के अंदर गाइस हमारा रोड का साइन है, पर कोई बात नहीं गाइस, पीछे की जो हमारी जाली थी तो गाइस वो भी खराब तरीके से वापिस से लग चुकी है। और गाइस इसी के साथ गाइस अभी मेरे को इस वाले जाले को दोबारा से सेट करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बाउंड्री के साथ हम लोग सेट करने वाले। तो लेट्स गो गाइस, ये हमारी बाउंड्री के साइड लग चुकी है, और गाइस मैं चेक करने वाला हूँ क्या हमारे पास जो P4 आ रहा है, तो P4 के अंदर क्या है। तो गाइस P4 के अंदर तो लैंप है। ओके गाइस P4 के अंदर हम लोग 2 लैंप को मंगवा लेते हैं, क्योंकि यार रात को यहाँ पे लाइट भी जल जाएगी तो काफी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लैंप भी मंगवा लिया, और इसी के साथ गाइस मैंने यहाँ पे P2 एक बार डायल करके देखा। तो गाइस P2 के अंदर हमें कुछ इस तरीके के ये सिग्नल वाले देख सकते हो, काफी बढ़िया लगता है गाइस देखने के लिए। तो इसी वजह से गाइस मैंने इसको भी एक बार बाहर की तरफ लगा लिया, ताकि यार भाई ये थोड़ा अच्छा लगे। और इसी के साथ गाइस जो हमारा लैंप है वो मैंने यहाँ पे मंगवा लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस हम लोग इस वाले को हटा देते हैं। और भाई गाइस ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से मूव क्यों नहीं हो पा रहा। तो गाइस एक बार हम लोग इसे और ट्राई करके देखते हैं, भाई ये तो भाई बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, पर चलो भाई कोई बात नहीं। अब हम लोग इस वाले जो लैंप है, एक हम लोग लैंप फटाफट इधर रख देते हैं, और दूसरा लैंप हम लोग बीच में रख देंगे, ताकि यार भाई दिखने में बढ़िया लगे। तो फाइनली गाइस जो हमारा भाई कूड़ा घर था वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। गाइस कैसा लग रहा है आपको ये न्यू घर, तो गाइस कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसे और भी अपग्रेड करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और हाँ, हम लोग कूड़ा घर के ठीक बगल के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक और बहुत बड़ा हाउस। तो गाइस मैं इस बार मैं यहाँ पे H3 का यूज कर रहा हूँ, तो गाइस H3 में देखते हैं। तो लेट्स गो गाइस, H3 में तो काफी बढ़िया सी हाउस आ चुकी है भाई, जो कि यार काफी बढ़िया बेसमेंट सा लग रहा है। तो गाइस हम लोग कमेंट करके मुझे बता देना क्या गाइस ये वाला हाउस बिल्कुल बेटर है इस वाले एरिया के लिए। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने इस वाले हाउस को कुछ इस तरीके से रख लिया, पर गाइस ये वाला हाउस को बहुत ज्यादा गाइस हवा के अंदर उड़ रहा था। तो गाइस इसी वजह से मैंने इस वाले हाउस को और ज्यादा दबाने की कोशिश की, मतलब गाइस हम लोग इसको जमीन के अंदर डालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यार देखो भाई बिल्कुल अच्छे से बैठ सके। तो गाइस मैंने देखा कि ये वाला हाउस बिल्कुल अच्छे से जमीन के अंदर तो बैठ चुका है, यहाँ पे हम लोग फाइनली गाइस इसे लगा लेते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हमारी सिटी हो चुकी है काफी अच्छे तरीके से बिल्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसे और बिल्ड करने वाला, तो फटाफट गाइस SD डाल के हम लोग इसे सेव कर देते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो गाइस वाली वीडियो को लाइक कर दो, और आपको क्या क्या चाहते हो हमारी सिटी के अंदर और भी क्या क्या नई नई चीजें बिल्ड हो, तो गाइस तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो गाइस जल्दी से जल्दी लाइक कर देना। बस आज हम लोग ज्यादा चीजें बिल्ड नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पक्का बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीजें भी बिल्ड करेंगे। तो गाइस उसके लिए आप लोग ढेर सारे नीचे कॉमेंट पे जरूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस हम लोग और भी क्या क्या नई नई चीजें बिल्ड करें। फिलहाल के लिए गाइस हमारी सिटी के अंदर अभी इतना ही काम हुआ है, जो कि यार आप लोग देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और बिल्ड करूंगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।